हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आज आपके सामने मैं एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूं और जिसे मैं शेयर करना चाहती हूं, जिसका नाम है पालक पनीर। पालक पनीर सबको बहुत पसंद आता है, तो मैं बहुत इजी वे में बताऊंगी कि आप घर पर ही पालक पनीर का स्वाद ले सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं ये रेसिपी। पालक पनीर बनाने के लिए हमने क्या क्या मसाले यूज़ किए हैं वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, और ये दही है, देसी घी हमने यूज़ किया है, और जीरा है। इसके साथ हमने यहाँ पर यूज़ किया है पालक। ये आप देखेंगे, हमने यहाँ पर ये पालक लिया है, और ये पालक देसी पालक है, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये आप देखेंगे बहुत छोटे पत्ते वाले पालक है, जिससे कि पालक की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। साथ में यहाँ पर हमने यूज़ किया है लहसुन। लहसुन 8-10 कलियाँ लहसुन के हैं। अदरक है, काजू है, ये काजू के 5 पीसेस काजू के हैं। हरी मिर्ची है, टमाटर को चॉप्ड किया हुआ है, रफली चॉप्ड है, और प्याज है। साथ में यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है पनीर। ये पनीर है, घर का पनीर निकाला हुआ है, और इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी कि ये पनीर कैसे घर पे निकालते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट और बहुत नीटनेस से निकाला हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर हमने यूज़ किया है नमक, हल्दी, और ये लास्ट में गरम मसाला। पालक को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। बिल्कुल 4-5 पानी से अच्छी तरह से इसके धो लीजिए, जिससे इसकी सारी मिट्टी निकल जाए, और उसके बाद इसे हम बॉईल करेंगे। यहाँ पर एक पतीला लिया है, और पतीले में हम यहाँ पर पालक को डालेंगे। पानी आप देख रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, और इसको अब इसके अंदर हम पालक को डालेंगे। सारे पालक को इसके अंदर डाल देते हैं, और इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस एक बॉईल आने पे इसे बंद कर देना है, गैस को ऑफ कर देना है। इस तरह सारे पालक को डाल दिया है, और पालक को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं दबाकर। और आप देखेंगे इस तरह करने के बाद इसे हम ढक देते हैं, 1 मिनट के लिए ढकेंगे। एक बॉईल आने के बाद इसे हम गैस को ऑफ कर देंगे। 1 मिनट हो गया है, अब इसे उठाकर देखते हैं। अब ये बॉईल हो गया है अच्छी तरह से, गैस को हम ऑफ कर देते हैं। इसे ज़्यादा नहीं बॉईल करना है। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो गया, और इसे तुरंत ही इसके निकाल लेना है। इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं जाली में, सारे पालक को निकाल लेते हैं। इस तरह हम सारे पालक को निकाल लेते हैं, पालक को छान लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि आप जैसे पालक को निकालें और उसके अंदर आप ठंडा पानी डालें, जिससे पालक का कलर चेंज नहीं होगा। आप पालक को बिल्कुल ठंडे पानी से आप वॉश कर लें। ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, और मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि आप देखेंगे बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसे हम निकाल कर और इसे हम अलग रख देते हैं। पैन को गरम कर लेते हैं, और इसके अंदर हम आप 2 चम्मच के करीब ये घी है, तो मैं यहाँ घी में बना रही हूँ। आप ऑयल में बना सकते हैं, तो घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद इसके अंदर हम जीरा डाल देते हैं, जीरा ऐड कर लेते हैं। 1/2 स्पून के करीब जीरा है, तो जीरा डाल देते हैं। साथ में इसके अंदर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, और इसे वापस चला लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर काजू डाल देते हैं। काजू से क्या होगा कि ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाएगी, रिच हो जाएगी, तो आप
थोड़ा सा काजू भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये प्याज है, कटे हुए चॉप्ड प्याज है, ये मिक्स कर देते हैं और इसे चला लेते हैं। अच्छी तरह से चला लेते हैं, थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए, तब तक इसका कच्चापन है वो सारा चला जाए। प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है और इसके अंदर अब हम टमाटर ऐड कर देते हैं। उसे भी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और साथ ही नमक यूज़ कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल लें नमक। नमक थोड़ा आप कम ही यूज़ करें, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा नमक तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है कि आप कम कैसे करें। तो आप यहाँ पर नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें या हल्का ही डालें नमक। अब इसे थोड़ा सा गलने देते हैं, हम थोड़ा सा ढक देते हैं जिससे कि ये जल्दी हो जाए। 5 मिनट के लिए इसे ढक दिया था और इसे आप चला कर देखते हैं। आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छी तरह से ये लाल हो गया है, बिल्कुल इसका कच्चापन चला गया है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा करके हम पालक के साथ पीस लेंगे। पालक भी इसके अंदर डालकर और इसे पीस लेंगे। ये पालक को इसके अंदर हम मिला लेते हैं, ये जो हमने बॉईल किया था पालक इसी के अंदर हम डाल देते हैं और इन सबको मिलाकर हम मिक्सी में पीस लेंगे, एक पेस्ट बना लेते हैं। हमने वापस वही फ्राई पैन लिया है और उसी के अंदर ही हम एक चम्मच ऑयल घी डाल देते हैं। आप यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसे गरम कर लेते हैं। गरम करने के बाद इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या मसाला यूज़ करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले स्पून हम लाल मिर्च पाउडर लिए हुए हैं और एक बड़ा सा चम्मच हमने धनिया पाउडर यूज़ किया है। साथ में इसमें हल्दी है, हल्दी मिक्स कर देते हैं। और जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है जो हम इसके लिए, आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा, आप इसे ट्राई कीजिए, ये आटा है, जिससे कि ये थिकनेस आपके ग्रेवी का बहुत अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इन सारे मसालों को हम इसके अंदर डाल देते हैं और भून लेते हैं इसे, अच्छी तरह से भून लेते हैं कि इसे आटे का जो कच्चापन है वो नहीं रहे और अच्छी तरह से पक जाए। मसाला ये भुन गया है, इसके अंदर हम पालक का जो पानी था उसे फेंके नहीं है, वो इसके अंदर डाल देते हैं और इसे वापस चला लेते हैं। भुन जाने पर इसके अंदर हम, ये पालक है, पिसा हुआ पालक है जो सब कुछ हमने मसाला डाला था। अब आप देखेंगे ये पालक बिल्कुल, इसका कलर आप देखेंगे कितना अच्छा है, बिल्कुल ग्रीन है कलर। और ये इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे, बिल्कुल ये पेस्ट है, बिल्कुल हमने बस फाइन पीसा है और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर सभी मसालों को मिला लेते हैं। मसाले को सारे हमने पालक में मिक्स कर दिया है और अब इसके अंदर हम दही को यूज़ करेंगे। 2 चम्मच के करीब आप दही डाल दीजिए, क्योंकि ये पालक बहुत खट्टा कड़वा होता है, तो कड़वा को हमेशा खट्टी चीज़ से ही काटा जाता है। तो हमने यहाँ पर दही यूज़ किया है और इसे आप मिक्स कर ले। साथ में इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड कर ले, 1 स्पून के करीब। गरम मसाला, हल्का सा गरम मसाला यूज़ कर ले और इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही रिच ग्रेवी टाइप की बनी हुई है और इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। आप जब भी है ना पालक को उबालें तो उसको तुरंत ही आप एक बॉयल आने पर निकाल कर और ठंडे पानी से इसको धो लें, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। अब लास्ट में इसके अंदर हम पनीर डालेंगे, एक एक करके। ये घर का बना हुआ पनीर है,
पनीर इसके अंदर अच्छी तरह से ऐड हो गया है और अब इसे 2 मिनट के लिए हम ढक कर रख देते हैं, जिससे कि सारे मसाले इस पनीर के अंदर चले जाए और बहुत इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। 2 मिनट के बाद हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। पालक पनीर बिल्कुल रेडी है और इसके ऊपर हमने मलाई से गार्निशिंग की है, तो थोड़ा सा मलाई इसके अंदर डाल देते हैं। क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर ग्रेट कर लेते हैं। पनीर का ग्रेट कर लेते हैं और ये बिल्कुल आपका रेडी हो गया है पालक पनीर। अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपने अगर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और नए आए हैं अपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।